चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़े थे? अच्छा पिछले क्लास में क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। सुनो, हाँ पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो कार्बन है, सुनो, कार्बन अपने लंबे लंबे चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। उस लॉन्ग चेन को हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कार्बन सबसे ज्यादा दोस्ती कार्बन खुद के साथ करता है, लेकिन कार्बन के साथ दिक्कत यह है कि एक कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कैपेसिटी है। तो यह क्या करता है, एक बॉन्ड बनाने के लिए कि यहां से एक कार्बन को बुलाता है, इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, चार। तो इस तरह से यह फिर से एक कार्बन को बुलाएगा और यह चेन चलता चला जाएगा। तो चेन को ब्रेक करने के लिए कार्बन को एक और एलिमेंट के साथ यहां पे शेयर करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, और उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहां पे बुला दिया तो ये चेन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड। और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए आगे इसके हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं और उस नाम को बोलते हैं अल्केन। क्या नाम बोलते हैं? अल्केन। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अल्केन। अल्केन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस नाम को याद रखना है, अल्केन। अब अल्केन में आपको इसमें दिख रहा है जो फर्स्ट दो ए एल के, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स नेम। क्या बोलते हैं? मेंबर्स नेम। और इसके बाद में जो दिया है ना ए एन ई, इसको हम लोग बोलते हैं सरनेम। ठीक है, अब एक फैमिली में मेंबर्स का नेम तो अलग अलग होगा, लेकिन सरनेम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे कोई गुप्ता फैमिली है तो गुप्ता फैमिली में सबका नाम जो है अलग अलग होगा, सोनू गुप्ता, मोनू गुप्ता, लेकिन एक जो सरनेम आ रहा है वो सब में सेम होगा। हाइड्रोकार्बन के केस में हम लोग मेंबर्स का नाम पढ़ेंगे, वो कार्बन की संख्या पढ़ेंगे, कार्बन जितना रहेगा उसमें मेंबर्स का नाम आएगा। जैसे हम लोग कार्बन को एक नेम दे दिए हैं, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन, और यहाँ पे उसमें जो सफिक्स यूज होगा वो देख लेते हैं, क्या सफिक्स यूज होगा। जैसे कहीं एक कार्बन आपको दिख रहा है ना, उसके लिए आप नाम क्या यूज करोगे, मिथ। एक कार्बन को मिथ। दो कार्बन दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इथ। तीन कार्बन दिख रहा है तो प्रॉप। चार कार्बन को ब्यूट। पांच कार्बन को पेंट। अगर छह कार्बन दिख रहा है, हेक्स। सात कार्बन को हेप्ट। आठ कार्बन को ऑक्ट। नौ कार्बन को नॉन। और दस कार्बन को डेक। यही तक पढ़ना है। इलेवन कार्बन रहेगा तो अनडेक, और ट्वेल्व कार्बन रहेगा तो ड्यूडेक। यानी कि नाइन का क्या हो जाएगा, नॉन। आपको पढ़ना है यहां तक, दस तक। ठीक है, दस कार्बन का। तो अभी इसको याद कर लो, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक। अब सुनो ध्यान से, यहां तक आपको सिर्फ याद करना है, ब्यूट तक। बाकी सब आप पढ़े हो मैथ्स में, पांच साइड रहता है तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सब पढ़े हो ना, बस उसी पे आपको ये सब यहां से पेंटागन से शुरू हो जाएगा। तो चार तक आपको याद रखना है, एक कार्बन रहेगा तो मेथ, दो कार्बन रहेगा तो एथ, तीन रहेगा तो प्रोप, चार रहेगा तो ब्यूट, पांच रहेगा तो पेंट। चलिए, इसमें पहला कार्बन का चेन है, मतलब कहीं एक कार्बन देख दिया उसमें मेंबर के जगह पे क्या आ जाएगा, मिथ। और अगर उसमें सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड होना चाहिए,
तो उसके साथ सरनेम लगा देंगे ए एन ई, तो ये क्या बन जाएगा? मीथेन। देखो जब मिथ में सरनेम लग गया ए एन ई तो क्या बन जाएगा? मीथेन। उसी तरह से दूसरे कार्बन के चेन को इथ में सरनेम लगा दिए ए एन ई तो क्या बन जाएगा? इथेन। इसी तरह से प्रोप में लगा दिए तो प्रोपेन, प्रोपेन। इसी तरह से ब्यूटेन हम लोग सबका बना सकते हैं, ब्यूट में ए एन ई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। तो ये याद रखना है कि इस टाइटल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस फैमिली मेंबर का है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ए एन ई दिख जाए सिर्फ तो आपको इसमें समझ लेना है कि इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग होगी, सिंगल बॉन्ड से जो बना रहेगा, सिंगल बॉन्ड से बना रहेगा उसमें आपको ए एन ई लगाना है। पहला मेंबर यानी एक कार्बन दिख जाए तो उसका नाम हो जाएगा मीथेन, दो कार्बन का इथेन, तीन कार्बन दिख जाए प्रोपेन, चार ब्यूटेन। समझ में आया? अब इसके फर्स्ट फाइव मेंबर्स का हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। प्रोप में ई नहीं रहेगा, हाँ प्रोपेन, पी आर ओ पी ए एन ई, ठीक है इसको लिख लो। कोई बात नहीं, उसको हम कर लेंगे कट। राय किसमें थोड़ी कुछ रहा है, उधर जाएगा, कोई बात नहीं चलता है। हाँ हो गया, लिख लिए तुम लोग? ये तो कल ही लिख लिए। चलो तो आगे पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें आपको तीन चार चीज एग्जाम में पूछता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला कि इसका एक तो ये इसका नाम हो गया, इसका मोलेक्युलर नेम हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसके बाद इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद मोलेक्युलर फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला, चार चीजें पूछता है ठीक है। एल्केन का फर्स्ट फाइव, अल्केन का ग्रुप पढ़ते हैं ठीक है, फर्स्ट फाइव, और बचा हुआ फाइव आप घर से बना के लाओगे, फर्स्ट फाइव ग्रुप्स या फर्स्ट फाइव कंपाउंड्स ऑफ अल्केन, अल्केन के फर्स्ट फाइव कंपाउंड्स उसका नेम। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग कार्बन का नंबर देख दे देते हैं, कितना कार्बन होना चाहिए या सीरियल नंबर सीधा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो आपको सिखा देते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा। उसके बाद कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला कैसे होगा, और इसी का लास्ट में मोलेकुलर फॉर्मूला। ये तीन चीजें आपको याद रखना है ठीक है, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और या कुछ भी दिया रहेगा उसका नाम पूछा जा सकता है, तो उसका नाम हम यहीं पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बगल में ही नेम लिख देंगे। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में कितने कार्बन आना चाहिए? एक कार्बन, एक कार्बन के कितने हाथ? चार। मतलब एक कार्बन के चार हाथ, चारों हाथ से ये दोस्ती किसके साथ करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ये देख लो एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलेंगे, और उसके टाइटल में क्या आ जाएगा? सरनेम में एन। तो यानी ये इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। ये फर्स्ट जो मीथेन है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कैसे बनाएंगे? तो कार्बन, और यहाँ पे ये तो शेयरिंग पता है ना कैसे शेयरिंग किया है, शेयरिंग बहुत पहले बता दिए थे, अगर देखना है तो देख लो। इसमें क्या है कि इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपने पास हाइड्रोजन को जो बुलाया, तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब ये क्या किया कार्बन कि इन सब से एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये इससे लिया, ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग किया, और इस तरह से ये बॉन्ड पूरा कंप्लीट हुआ। समझ में आया? ये जो बनाए हैं इसको बोलते हैं लिव्स स्ट्रक्चर ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इस बॉन्ड के लिए हम बताए थे एक लाइन ऐसे मिला देंगे, जस्ट
इसका मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल से बॉन्ड से बनेगा तभी तो अल्केन फैमिली का आएगा। तो इसको मिटा करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो हम लोग इसको मिटा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक कार्बन के चार हाथ और चारों में इसके पास एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए चारों हाथ में। अब ये हो गया आपको मीथेन। कैसे पता चला मीथेन? तो एक कार्बन है, मीथ बोलते हैं और टाइटल में लग जाएगा ए एन ई, तो हो गया मीथेन। इसका यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला छोटा करके लिखोगे तो एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? चार। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाता है इस केस में, CH4। आगे डिफरेंस समझ में आ जाएगा कंडेंस फॉर्मूला के जब दूसरा पढ़ेंगे। जैसे दूसरा में आपको कितने कार्बन लेना है? दो कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्यों सिंगल बॉन्ड होना चाहिए? क्योंकि अल्केन फैमिली है। अच्छा, इस कार्बन के पास कितना हाथ? चार हाथ। इस कार्बन के पास भी कितना हाथ? चार हाथ। अब सबके पास क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। क्या यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा दे? नो सर। ये खुद बॉन्ड बनाया हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन की खुद आपस में शेयरिंग किया हुआ है। अब देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो दो कार्बन की, यहाँ पे दो कार्बन मिला हुआ है और सिंगल बॉन्ड बना है, मतलब अल्केन फैमिली है। तो दो कार्बन के चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथ। दो कार्बन लगा रहेगा तो इथ, और अल्केन फैमिली है तो टाइटल लग जाएगा एन, यानी कि ये क्या है? इथेन। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो, इसको एक साथ लिखते हैं। एक साथ लिखोगे तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो H3C या CH3, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसको लिख सकते हैं CH3, इसको क्या लिख सकते हैं? CH3, ऐसा लिख सकते हो आप। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH3, दोनों तरीका से इसको लिखा जा सकता है। कैसे लिखे देखो ध्यान से, पहला कार्बन जितने हाइड्रोजन के साथ था एक साथ लिख दिए, उसके बाद इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, फिर दूसरा कार्बन जितने हाइड्रोजन के साथ था उतना हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है देखो काउंट करो, 1 2 3, तो 3 लिख दिए। इसके साथ कितने थे? 1 2 3, तो 3। अब मोलिकुलर फॉर्मूला में टोटल कार्बन और टोटल हाइड्रोजन को एक साथ लिख देते हैं। टोटल कार्बन कितना है? दो, तो C2 लिखेंगे, और टोटल हाइड्रोजन कितना है? H6। अब C2H6 आपको दिख जाए आप समझ जाना ये क्या लिखा हुआ है, इथेन। क्या लिखा है? इथेन। चलो तीसरा कार्बन का चेन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें तीन कार्बन का चेन रहेगा और तीनों में लगा है सिंगल बॉन्ड, और तीनों के साथ कौन जुड़ा हुआ है रहेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऊपर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। देखो चार हाथ इसका कंप्लीट है, लास्ट वाले है कार्बन का, इसका चार हाथ कंप्लीट है कि नहीं? 1 2 3 4, इसका भी चार हाथ कंप्लीट है, 1 2 3 4, मतलब चार हाथ इसके बिजी रहने चाहिए, कोई भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उससे थप्पड़ लगा देगा। ठीक है, तो सब हाथ में दे दो हाइड्रोजन। तो तीन कार्बन का चेन है तो इसको क्या बोलेंगे? तीन कार्बन में देखो प्रोप है और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? ए एन ई, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? H3C, इसको क्या लिख सकते हैं? CH2, ये CH2 है और ये क्या है? CH3। आप चाहो तो H2C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका अब मोलिकुलर फॉर्मूला बता दो, टोटल कार्बन कितने हैं? 3, तो कार्बन के बगल में लिख देंगे C3। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एच कितना हो गया? 8। यानी ये था आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये कंडेंस फॉर्मूला और ये था मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट करो और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि दो और बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से इसको कर लो नोट। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हम कट कर लेंगे। क्लियर आ रहा है ना आज? ये आज भी कर लीजिए सारा है आज। ठीक है, केसरी तब समझिए बोला, केसरी जुबा केसरी है तो वो केसरी सर समझिए। हाँ,
सरनेम है तो सरनेम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में तो इतना सरनेम है कि पता नहीं चल पाएगा। शर्मा लोगों का तो हमेशा माहौल गर्म में रहता है। हम लोगों के साथ एक लड़का था, वो कभी भी देखेगा, जब देखेगा कि बहुत ज्यादा कहीं पे भीड़ है, जाम लगा है, बहुत ज्यादा भीड़ लगा है, तो जाकर के सबको बोले संतरी संतरी साहब साहब गर्म माहौल है, बिल्कुल साहब किसी को भी साहब बना दिया। यहाँ पे हम लोग एक बार फैन खरीदने गए थे यहाँ पर, तो हुआ अमित सर थे तुम लोगों के आर्ट्स वाले, आर्ट बनाते हैं ना अमित सर, अमित श्रीवास्तव सर, तो अभी भी बनाते हैं, अभी तुम्हारे स्कूल में नहीं है तो हाँ, तो वो हमारे साथ गए, तो एक हम फैन खरीदे वो बैटरी वाला जो कि बैटरी रहता है उससे चलता है, हाँ तो वो बैटरी वाला फैन लेकर आए, तो सब्जी खरीदने चले गए, तो उधर एक सब्जी मार्केट है दुबरा रोड में, वहाँ पे जेल के पास, तो हाँ कोर्ट बाजार, तो उसमें वहाँ पे चले गए, तो उनको बोले फैन लेके बैठ जाइए आप, फैन लेके चला के बैठ गए, जब हम उतरे तो चला कर कैसे सब्जी वाले से बोल रहे कि साहब है साहब है। सब्जी वाला कह रहा है कि साहब आपसे क्या पैसा लेना, पीछे से सारा हमको कुछ नहीं पता है, पीछे से फैन चला दिए सारा कर दिए साहब साहब है शांत रही एकदम। अब वो हम पैसा में पूछ रहे हैं तो पैसा नहीं कर रहे, नहीं साहब आपसे तो क्या पैसा लेना, आपसे क्या पैसा लेना। फिर भी हम दे करके और आ गए, फिर बोले पैसा क्या नहीं ले रहा था। तो वो हंसने लगे, बोल रहे हैं कि अरे, तो वो कह रहे थे कि, फिर सब्जी वाला एक दूसरे से बात करने लगा कि कैसा साहब एक पंखा लेके चलता है। चलिए अब नेक्स्ट है ब्यूटेन का, ब्यूटेन का लिख लोगे ना। देखो ब्यूटेन को हम लोग लिख सकते हैं, तो ब्यूटेन को लिखने के लिए क्या करना होगा, देखो कितने कार्बन रखेंगे, चार कार्बन, चारों को बीच में सिंगल बॉन्ड और इधर लगा देंगे हाइड्रोजन। अच्छा इधर चार हाइड्रोजन लगाएंगे कि दो हाइड्रोजन, क्योंकि दो हाथ तो इसका बीज ही है, तो जो दो खाली बचा हुआ है और इसका तो एक खाली बचा है ना यहाँ हाइड्रोजन, इसका भी दो खाली बचा है तो दो ही हाइड्रोजन मिल पाएगा इसको, इसको मिलेगा तीन हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या हो गया, चार कार्बन देखते ही और सिंगल बॉन्ड देखते ही आपको याद आना चाहिए, चार कार्बन से तो ब्यूट याद आ जाना चाहिए और सिंगल बॉन्ड देखते ही याद आ जाना चाहिए ब्यूटेन एन। अब ये इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एच थ्री सी, इसको क्या लिखेंगे सी एच टू, फिर इसको लिखेंगे सी एच टू और इसको लिखेंगे लास्ट वाले को सी एच थ्री। इसका मोलेकुलर फॉर्मूला बता दो, सी फोर और एच काउंट करो 3 2 5 2 7 और लास्ट में 3, कितना हो गया 10 एच 10। इसी तरह से पेंटेन बना सकते हैं, सबका बना सकते हैं इसी तरह से, तो पांच लिख दिए हैं तो पांच बना देते हैं, चलो बाकी बचा हुआ पांच बना के घर से लाओगे, तो पांच कार्बन का चेन, इसमें क्या करेंगे पांच कार्बन लगाएंगे 1 2 3 4 5 और सब में आपको लगा देना है हाइड्रोजन। इसके पास चार कंप्लीट, इसका भी चार कंप्लीट, इसका भी चार कंप्लीट और इसका भी चार कंप्लीट, इसका भी चार कंप्लीट, इसका नाम क्या हो जाएगा, पांच है तो पेंटेन और इसका कंडेंस फॉर्मूला बना बता दो CH3 या H3C CH2 ये CH2 हो गया CH2 फिर एक CH2 और सबसे लास्ट में CH3। मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H12। अच्छा इसको देख करके कुछ याद आ रहा होगा आपको, पहला में था CH4, पहला में था CH4, दूसरा में था C2H6, तीसरा में था C3H8, चौथा में C4H10, पांचवे में C5H12।
12। तो इसका देखिए क्या है, क्या इसका कैसे ये इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग देखे तो कार्बन में अगर जो भी कार्बन का संख्या है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दीजिएगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा। जितना आप कार्बन लीजिएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दीजिए। जैसे एक कार्बन है तो एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 और प्लस 2 हाइड्रोजन 4 आ गया। फिर दो कार्बन है तो 2 × 2 = 4 और फिर 2 जोड़ दीजिए 6 हो गया। तीन कार्बन है तो 3 × 2 = 6 और 2 = 8। यानी यहां से अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है, जनरल फॉर्मूला अल्केन का हमें पता चल गया। बताओ क्या होगा अल्केन का जनरल फॉर्मूला, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से ही याद रख सकते हो कि अल्केन का फैमिली का होगा या नहीं होगा। जैसे CN के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 और ये 1 × 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो CH4 आ जाएगा। तो एक कार्बन वाला चेन आ जाएगा मीथेन, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 2 × 4 = 6 H6 आ जाएगा यानी कि इथेन आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला में N के जगह पे हम लोग नंबर्स पुट कर सकते हैं 1, 2, 3 ऐसे, और इस तरह से अल्केन आपको पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मूला से बेस्ड कोई फॉर्मूला मिल गया, कोई भी नंबर मिल गया तो आप क्या समझिएगा कि वो अल्केन फैमिली का। एक पूछ लेते हैं, बता दो, एक यहां पे दिया है आपको C12H26, बोलिए अल्केन फैमिली का है या नहीं है, अल्केन फैमिली का है। देखियो कैसे 12 × 2 = 24 है, उसमें 2 जोड़ो 26 आ जाएगा, आएगा ना। चलो एक ये बताओ C50H101 बोलिए अल्केन फैमिली है, 52 × 100 2 होना चाहिए, 102 होता तो ये अल्केन फैमिली का नहीं है, ये अल्केन फैमिली का है। तो अल्केन फैमिली का कौन है कौन नहीं है इस फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा। इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका CnH2n+2 इतना में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये जो सीरीज देख रहे हो एक साथ ये एक जैसा एक स्ट्रक्चर बनते जा रहा है, स्ट्रक्चर एक जैसा बन रहा है ना, देखो सब में सिंगल कार्बन है तो एक जैसा स्ट्रक्चर हो इस तरह के सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस नहीं बोल रहा, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। चलो इसको मिटा दे, बिहार बोर्ड वालों को नहीं समझ में आता है ना, कोई कोई नॉमिनेशन ऐसा हो जाता है नाम आ जाता है पढ़ने नहीं आता है। बिहार बोर्ड में एक लड़का को बोले माइकल फरारे बोले क्या सर मार के फाड़ दे क्या सर आप 3D बेइज्जती कर रहे हैं, ऑनलाइन बेइज्जती हो गया मेरा बोले डिसलाइक करिए जल्दी भागिए डिसलाइक करके। चलो तो होमोलोगस सीरीज देखो, जो हम लोग अभी सीरीज देखे हैं हाइड्रोकार्बन का, जो इसका स्ट्रक्चर क्या है सिमिलर है लेकिन कुछ तो डिफरेंस है, डिफर रहता है किससे, CH2 से। मतलब सिमिलर हाइड्रोकार्बन्स के सीक्वेंस में जिसमें CH2 से डिफरेंस हो सब हाइड्रोकार्बन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। मतलब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन या सिमिलर हाइड्रोकार्बन, सीक्वेंस ऑफ सिमिलर हाइड्रोकार्बन, सिमिलर हाइड्रोकार्बन इन विच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज सेम
सेम बट डिफर फ्रॉम डिफर बाई CH2 इज कॉल्ड होमोलोगस रिच। होमोलोगस रिच क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, सबसे पहला पढ़े थे मीथेन का, मीथेन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे CH4। उसके बाद आपको बताया है इथेन का फॉर्मूला क्या था, C2H6। उसी तरह से आपको तीसरा बताया था प्रोपेन C3H8। हाँ, इसके बाद हम लोग ब्यूटेन का पढ़े हैं C4H10। पेंटेन पढ़े हैं C5H12। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या है कि इसमें हाइड्रोकार्बन 4, 6, 8, 10, 12, इसका स्ट्रक्चर देखे थे तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा था, एक जैसा स्ट्रक्चर था, एक फैमिली का था, ये एक ही फैमिली था सबका, अल्केन फैमिली का सब मेंबर थे। तो अल्केन फैमिली में जितने भी हम लोग ये मेंबर पढ़ रहे हैं सबका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था वो सिमिलर था, एक जैसा था। सिमिलर मतलब देखने में एक जैसा हो, सिमिलर ट्रायंगल पढ़े थे ना, तो देखने में एक जैसा सबका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, सबका सिंगल बॉन्ड लगा था। कुछ तो डिफरेंस था, इतना का डिफरेंस था, CH2 का डिफरेंस था सब में। देखो कैसे, CH4 में अगर आप C2H6 में से इसको घटा के देखिए, पहले डिफरेंस है मतलब घटाना है, तो इसमें से अगर CH4 को घटाइएगा तो 6-4 कितना हो जाएगा, 2, और C2-C1 कितना हो जाएगा, C। CH2 का डिफरेंस आ गया, किसी दो में से घटा के देखो, लगातार में से, ये नहीं कि इसमें से इसको घटा देना तब नहीं आएगा, लगातार वाले में से, इसमें से इसको घटाइए वही आएगा, CH2 आएगा। तो सब में डिफरेंस CH2 का है। दूसरा तरीका से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पता है ना, जैसे ये बोल दिया गया एल्केन का फॉर्मूला है, अगला लिखो, तो कुछ नहीं, इसमें CH2 जोड़ दीजिए, इसमें CH2 जोड़िएगा तो अगला आ जाएगा, जैसे C कितना हो जाएगा, C2H6 किसका आ गया, इथेन का। इसमें फिर से CH2 जोड़ोगे तो फिर से अगला आ जाएगा, ये क्या हो गया, C3H8। देखो प्रोपेन आ गया, इसमें फिर सी फिर जोड़ दो CH2 तो अगला आ जाएगा C4H10। आया समझ में? तो चलो एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आपको बताना है कि होमोलोगस सीरीज में कौन कौन है, क्या ये होमोलोगस सीरीज में है तो कौन कौन है, नहीं है तो ठीक है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज ही नहीं समझ में आया, जो हम लोग अभी सीरीज ये पढ़ रहे हैं इसी को होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, सिमिलर हो, सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, सेम हम लोग सिमिलर कहेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज सेम या सिमिलर कह दो, यहाँ पे इज सिमिलर, सिमिलर सेम मतलब एक इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो, सिमिलर हो। अब डिफर किससे हो, CH2 से, CH2 से डिफर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। इस पूरे सीरीज का नाम है होमोलोगस, जो अल्केन ग्रुप का जो ये सीरीज आया। अब इस सीरीज को कैसे पता करोगे कि होमोलोगस सीरीज है या नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया आपको कि ये क्वेश्चन पूछ दिया गया CH2, CH4, CH6, CH8, बताओ ये क्या होमोलोगस सीरीज है, तो आप क्या करोगे, इसके बाद इसको माइनस करके देखिए क्या CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो CH2 का डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, तो ये होमोलोगस सीरीज होगा, नहीं, ये होमोलोगस सीरीज नहीं है। अच्छा ये बताओ तो CH, C2H2, C3H3, C4H4 क्या ये होमोलोगस सीरीज है, इसमें से इसको माइनस करके देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी होमोलोगस सीरीज नहीं है। होमोलोगस सीरीज के लिए आपको क्या होना चाहिए कि जब इसमें से इसको माइनस करें तो कितना का डिफरेंस आना चाहिए, CH2 का, ठीक है। तो जिसमें भी CH2 का डिफरेंस आ जाएगा उसको कहेंगे कि ये होमोलोगस सीरीज में है। जैसे ये बताओ, बताइए ये होमोलोगस सीरीज में है, बोलिए ये है होमोलोगस सीरीज है कि नहीं है। इसमें से इसमें माइनस करके देखो CH2 आएगा, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी CH2 आएगा, तो ये होमोलोगस सीरीज है, लेकिन ये दोनों होमोलोगस सीरीज नहीं है। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज को पहचान सकते हैं। तो ये एक सिमिलर हाइड्रोकार्बन का अल्केन ग्रुप का एक होमोलोगस सीरीज था। चलिए इसको लिख लो,